नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, जिस हाल में भी हो चलना सीखो। सचमुच यदि हम चलना सीख जाते हैं वक्त के साथ, मजबूरियां, बातें और परिस्थितियां तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन इन सब के साथ, इन सब के बीच रहते हुए अपने लिए रास्ता निकाल लेना, रास्ता बना लेना, इसी में बुद्धिमत्ता है। कई बार हम मजबूरियों को, परेशानियों को, विपत्तियों को या औरों को दोष देते रहते हैं कि इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये बाधा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन औरों को बदलने की बजाय यदि हम स्वयं को परिवर्तित कर लें, उस नदी से सीखें मित्रों, चलती है, प्रवाहित होती रहती है, बीच में बड़ा सा चट्टान, दीवार आ गया, कुछ भी आ गया, पर्वत ही क्यों ना आ गया, वो रास्ता बना करके निकल जाती है। हमें भी यदि सफल होना है तो अपने नज़रिए में, अपनी सोच में और अपनी अन्य उन बातों में परिवर्तन और बदलाव ज़रूर लाना है जो हमें रोक देते हैं। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य, आइए सुनते हैं। बदलाव उचित है तो सफलता निश्चित है। जीवन में सफलता सकारात्मक आदतों को सीखने और नकारात्मक आदतों को छोड़ने में है। सबसे पहले हमें आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी विनाशकारी आदतों की पहचान करने की आवश्यकता है। आदत परिवर्तन की यात्रा शुरू में कठिन हो सकती है, क्योंकि हमने अपनी विनाशकारी आदतों में एक आराम क्षेत्र पाया है। सकारात्मक ज्ञान को नियमित रूप से सुनने से, परमात्मा को याद करने से और शुद्ध मन वाले लोगों की संगति से हम इस यात्रा में सफल हो सकते हैं। मित्रों, संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। दिन, महीना, साल, व्यक्ति की आयु भी आप देखें तो परिवर्तित होती है, अवस्था भी बदलती है। कभी बच्चे हैं, कभी युवा हो गए, वृद्ध हो गए, हर जगह परिवर्तन है, हर जगह बदलाव है और यही सृष्टि को गति प्रदान करती है। ठीक वही बात हमारे साथ भी लागू होती है। यदि हम भी परिवर्तित होते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपनी आदतों में, अपने संस्कारों में, अपनी उन चीज़ों में जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो सफलता की ओर हमारे कदम तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। तो बदलाव अवश्य आता है मित्रों, परिस्थितियां भी बदलती हैं। कई बार शारीरिक व्याधि आ जाए या बातें ऐसी हो जाएं जो हमारे अनुकूल ना हो, तो हम परेशान हो जाते हैं। तब भी हम ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये समय भी निकल जाएगा, ये बातें भी बीत जाएंगी और प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल ज़रूर हो जाएंगी। ऐसी विश्वास के साथ, आशा के साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है आपकी सेहत आपके हाथ। नमस्कार, ओम शांति। आप कुछ भी करिए, जैसे कि कहा था कि कई प्रकार के डाइट है, परंतु उसको लंबा समय फॉलो करना है। और उस सब में अधिकतर भले कुछ मैकेनिज्म हो सकती है, जैसे कीटोजेनिक डाइट में है, परंतु उसको एग्जैक्ट फॉलो करना है और अधिकतर हमें वो कैलोरी की डेफिसिट क्रिएट करनी है। और जब वो डेफिसिट क्रिएट करनी है तो आपको अपने खाने पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक और चीज को समझनी है, कई लोग क्या कहते हैं कि वो कहेंगे कि मैं सवेरे से मैं कुछ नहीं खाता हूं, और सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया, यहां वहां जाना होता है, और जब शाम को घर पर आता हूं तब तो जरूर खूब भूख लगती है, तब व्यक्ति पेट भर के खा लेता है, तो फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वह कैलोरी डेफिसिट एक तो क्रिएट नहीं हुई और आपने उल्टा ही किया। जब आपने कुछ भी नहीं खाया तो बॉडी ने तो उल्टी अपने मेटाबॉलिज्म को कम किया, शरीर को लगा कि खाना नहीं मिल रहा है, फिर रात को आए तो आपने 3 गुना खा लिया। तो ऑटोमेटिक वह जो इफेक्ट है, जो बेनिफिट के बदले कहेंगे कि नुकसान हुआ, और आपका वेट कम होने के बदले बढ़ा। तो इस प्रकार से भल जिसको आजकल है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके अपने फायदे, परंतु वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसमें है कि भी आप 6 घंटा खाइए और फिर ऑलमोस्ट 18 घंटा कुछ भी नहीं खाइए, उसके अपने फायदे,
इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो ब्रेन के अंदर कुशन सेल्स है वो आपके कुशन सेल्स सचमुच बढ़ते हैं और उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और भी चीजें निर्माण होती है कि जिसे कैंसर से लड़ने में भी बेनिफिट होता है, परंतु वो हमें लगातार फॉलो करना है। और जो विंडो है आपकी 6 घंटे की, उसमें भी जो आप कैलोरी को कंज्यूम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आपकी बढ़ गई, 2200 की जरूरत है, आपकी कैलोरी समझो 2000 आप ले रहे, तो वो जो फर्क पड़ना है उतना 200 कैलोरी का ही फर्क पड़ना है कि जो बहुत ही कम है। ओम शांति। सत्य घटना याद आ गई जो कोई साझा कर रहा था। उसने कहा कि एक यंग लेडी 25 years old, उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी यंग एज में ये कैसे हो गया। डॉक्टर्स की भी समझ से परे था, कोई भी परिवार की भी हिस्ट्री ऐसी नहीं थी। जब उनसे एक गहन पूछताछ की गई, काउंसलिंग की गई, तब उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता था ये देख करके कि जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता था उन्हें कितनी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो मुझे ये लगता था कि कहीं मुझे भी ना हो जाए, मुझे भी ना हो जाए, मुझे भी ना हो जाए। और शायद इस विचार ने ही उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट बना दिया। जब ये बात पता चली कि इन्होंने अपनी सोच से ही इसे पैदा किया है, तो उन्हें पॉजिटिव थॉट्स दिए गए जिससे वो जल्दी ही मुक्त हो गई अपने ब्रेस्ट कैंसर से। सचमुच मित्रों, विचार कितना महत्व रखते हैं। सकारात्मक विचार हमारी सभी समस्याओं को सुलझा देते हैं, और वहीं नकारात्मकता हमें समस्याओं के गर्त में धकेल देती है। कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऐसे ही सुंदर विचार लेकर हमारे बीच प्रोफेसर शर्मा जी हाजिर हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। महावीर स्वामी आम के पेड़ के नीचे तपस्यारत थे। कुछ बच्चे उधर से गुजरे, उन्होंने देखा पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे बड़े बड़े आम लगे हैं, तो क्यों ना आमों को तोड़ा जाए और खाया जाए। इस मंशा से बच्चों ने पत्थर उठाए और पेड़ को मारने लगे। संयोगवश या दुर्भाग्यवश एक पत्थर जाकर तपस्यारत महावीर स्वामी के सिर पर लग गया। पत्थर की सिर पर चोट लगने के कारण महावीर स्वामी के मस्तिष्क से, मस्तक से, सिर से खून बहने लगा। ये देखकर बच्चे डर गए और महावीर स्वामी के पास गए। उन्होंने देखा कि महावीर स्वामी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बच्चे और अधिक डर गए। उन्होंने कहा, क्षमा करें स्वामी जी, क्षमा करें महावीर जी, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ और इतने आंसू बह रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि ये आंसू इसलिए नहीं बह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर मुझे चोट बनकर लगा है। दरअसल ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि पत्थर खाने के बाद, पत्थर को सहन करने के बाद ये निर्जीव पेड़ मीठे आम के फल देता है और मैं सजीव कहलाने वाला इंसान, मैं सजीव इंसानों के बीच बड़ा कहलाने वाला संत, पत्थर लगने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आप पर कैसा भी प्रहार हो, लेकिन यदि आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं, तब जाकर कोई जीवन में सिद्धार्थ नामक छोटे से बालक से महावीर स्वामी जैसा संत हो जाता है। नमस्कार मित्रों। कहते हैं सबसे कठिन योग है वियोग, और सबसे अच्छा योग है सहयोग, और सबसे सहज सरल योग है राजयोग। और यही जो सहज सरल योग है राजयोग, जो हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद की बरसात करने वाला है, जो हमारी सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला है, हमें सफलता की ओर लिए चलने वाला है, ये योग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, ताकि हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो सके और हम शिखर की ओर बढ़ सकें।
मीना जी, जब आप अपने क्षेत्र में रहे और जब आप प्रमुख स्थानों पर रहे जहाँ जहाँ आपने प्रशासनिक अपनी सेवाएं दी, तो क्या आपने अपनी तरफ से कुछ इस प्रकार का प्रयास किया कि बच्चों में, युवाओं में या लोगों में ऐसे मूल्यों का सिंचन हो या अध्यात्म की ओर थोड़े अग्रसर हों? मैं अपने चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, कहीं गाँव में जाना हो जी, मीटिंगों में हो, तो मैं कोशिश करता था कि अपने विषय के साथ साथ इन बिंदुओं पर थोड़ा प्रकाश डालता था। और विशेष रूप से मैं इस पॉइंट पर जोर देता था कि बच्चों को अपने माता पिता के प्रति रिगार्ड रखो, उन्हीं से सीख मिलनी चाहिए। और हमेशा माँ बाप को मैं ये कहता रहता था कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, अगर बच्चों को शिक्षा वो ही नहीं देंगे तो वो बाकी और टीचर से बाकी लोगों से उतनी उम्मीद नहीं कर सकते, ये उनका कर्तव्य है। जी जी, ये पॉइंट मैं बताता रहता हूँ। उनकी माता पिता से ही बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे। विशेष करके माता पिता की बात तो आती ही है, आपको क्या विशेष लगता है मीना जी, यदि एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज़ को शामिल किया जाए, बच्चे यदि बचपन से ही ये मूल्यों की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा, इन सब की ओर यदि बढ़ें तो एक मूल्यवान नागरिक का निर्माण होगा। और शायद आज जो समाज की स्थिति हम देखते हैं कि थोड़ी सी दयनीय सी दिखाई देती है, बहुत सारी जो क्राइम रेट हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या यहाँ से समाप्त हो सकता है? मैं तो अपनी एजुकेशन पे याद करूँ तो हमने प्राइमरी में ही ये जीवन के आधार जिनसे सीखने को मिलता है जी, ऐसे दोहे, चौपाई, ये सब हमको पढ़ने को मिली। और उनको याद अगर रखते हैं तो आदमी जब गलत जाता है तो उससे उसके पैर रुकते हैं अपने आप। लेकिन आज देखने में आता है कि मोरल साइंस का जो पीरियड है वो खाली रहता है, उसमें कोई टीचर ही ऐसे नहीं है जो जा करके मोरल साइंस के बारे में बताएं, समझाएं, क्योंकि शायद उन्हें खुद लगता है कि यदि मैं खुद पान खा रहा हूं या तंबाकू खा रहा हूं तो मैं फिर बच्चों को क्या सिखाऊंगा। तो यहां क्या किया जाए आपके विचार? ये तो कमी है, देखिए यही तो इसी का प्रभाव कम पड़ता है। व्यक्ति अगर बोलेगा, किसी को शिक्षा देगा और वो ऐसा वो नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसको ऐसा पहले बनना चाहिए और बनने के बाद में अगर कहता है तो लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। तो ये बात सही है कि जीवन में जब तक वो खुद नहीं उतारता तो उसके कही भी बातों का प्रभाव उतना नहीं होता। आज सुबह मेरे मित्र ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा जो बहुत ही रोचक था, गुदगुदाने वाला था। मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी आज इसे साझा करते हुए जाऊं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे बहुत प्रिय लगती हैं मैं आप सब के लिए वो ज़रूर छोड़े जाता हूं, जो जीवन के लिए बहुत ही खुशी से भरे हुए होते हैं। उसने लिखा था कि ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्योंकि पता नहीं कल सामने के दो दांत हो ना हो। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना, आज हमारे सारे दांत हैं, हम खुल करके हंसे, पता नहीं कल ये दांत हो या ना हो और हमें संकोच होने लगे कि हम मुस्कुराएंगे तो शायद हमारे दांत दिख जाएंगे जो कि है नहीं। सचमुच मित्रों, जीवन के हर पल को हम हल्के रूप में लेना सीखें, बड़ी से बड़ी बात हो, बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ भी हों, लेकिन यदि हम पॉजिटिव रहते हैं, हल्के रहते हैं, इस भाव में रहते हैं कि बातें आई हैं चली जाएंगी, हम खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो मित्रों, आज के दिन भी और पूरे जीवन भी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।